गुड मॉर्निंग चेरी, गुड मॉर्निंग करियो। चेरी की शरारत ऐसे ही बरकरार है, रात को भी यही यही कर रही थी और सुबह उठते ही चेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पीयूष, गुड गुड मॉर्निंग गाइस। छह बजे उठ रही है, कर तो गाइस छह बजे तो नहीं कह सकते, चेरू गुड मॉर्निंग, गुड छह बजे भी मॉर्निंग उठते हैं जब स्कूल होता है। चेरी, गुड आज भी मॉर्निंग। तो 6 बजे उठा था, एग्जाम है ना, पेपरों की तैयारी करनी, पढ़ाई नहीं करनी। साक्षी की हालत देखिए इसकी, आज मेरे को ऑयल मसाज करनी पड़ेगी क्योंकि अभी है, कल एग्जाम था, आज छुट्टी है। इसके बालों की हालत देखिए, मेरे को भी इसकी तो कटिंग ही ऑन होनी चाहिए, बट पता मेरे नहीं को भी कटिंग श्राद्ध चल रहे करवानी हैं तो मैं सोच रही हूँ करवाऊं नहीं करवाऊं। मैं ना मन नहीं करता कटिंग कराने का, पर देखती हूँ इसके बालों की हालत ज्यादा खराब हो रखी है, अगर टाइम लगा तो। देख कैसे कर रही है यार, तुम क्या कर रहे हो, क्या ले देखा, देखो गुड मॉर्निंग। देखिए चिड़ी हुई है, इसको खाना चाहिए, उठता ही सबसे नहीं, पहले। इसको टॉयस चाहिए, इसका टॉयस चाहिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं सारे दिन में हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या हो पाता है, क्या क्या नहीं हो पाता। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। सबकी हालत ऐसी खराब हो रखी है, हमने सोचा आज इसी हालत में हम करते हैं गुड मॉर्निंग। अभी नहा धो चुके हैं और अच्छे से फ्रेश वगैरह होके मैं नहा लिया, धो लिया, कपड़े मैंने पहन लिया, आजू बाजू मैंने शर्ट पहनी और पैंट पहनी है। तो कोई नहीं गाइज, अपने आज का व्लॉग डल चुका था और अभी बस मैं पढ़ाई करूँगी क्योंकि कल का मेरा क्लास टेस्ट है सोशल का। तो कोई नहीं, अभी पढ़ते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। खाने में खिचड़ी क्योंकि मम्मी चल रही है 2 दिन से, 2-3 दिन से बीमार, इसलिए हम बना रहे हैं हल्का हल्का खाना। ये रहा आज की हमारी थाली, प्याज खीरे टमाटर, ये रही हमारी खिचड़ी और ये रही हमारी मम्मा जो हमारे खाने को डाल रही है। वेजिटेबल खिचड़ी है ये, वेट लॉस में भी बहुत अच्छी रहती है और हेल्दी भी रहती है क्योंकि बच्चे घर पे थे, ये भी उल्टा सीधा खाते रहते हैं। तो मैंने सोचा कल रात को भी खिचड़ी, मॉर्निंग में भी खिचड़ी और मेरी दाई। तो ये रही हमारी आज की कुछ प्लेट और मैंने इसमें थोड़ा सा नूने घी भी रखवा लिया है। तो गाइस अभी हम खड़े हैं बालकनी में क्योंकि मौसम हो रखा बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा अच्छा हो रखा है। आप लोगों को दिख रहा हो कितना अच्छा मौसम हो रखा है ना। तो अरे थोड़ी देर में सोचा कि पढ़ ही रहा था तो थोड़ी देर बाद फिर मैं खड़े हो जाते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते खड़े होके। तो मैं बालकनी में बहुत देर हो गई खड़ा हो रहा था, सोचा थोड़ा व्लॉग कर लूँ और आपको दिखाऊँ कैसा हो रखा है मौसम। तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके चलो दिखाता हूँ मैं आपको मौसम क्या है। बादल छाए हुए हैं। तो गाइस मैं आया हुआ था ऊपर छत पे आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए, पर मेरा पोपट हो गया, मेरे आती बारिश आ गई है, प्यार पोपट हो गया गाइस। कोई नहीं अभी 2 मिनट वेट करते हैं और थोड़ा बहुत व्यू ऐसे दिखाते जैसे हो सकता है। ठीक है
तो गाइस ये है हमारी छत। और मैं इस छज्जे के आठ में खड़ा हूँ और मुझे लगता नहीं कि मैं ज्यादा देर बच पाऊंगा, तो अंदर घुस जाते हैं। यहाँ फिर भी ठीक है। वो कितने सारे कबूतर खाना खा रहे हैं। ठीक है शांत रहो। चेरी हो यहाँ पर चल रही है रामलीला की तैयारी। ये जो है ना यहाँ पर द्वारका में सबसे बड़ी रामलीला का सेट रेडी होता है और इतना बड़ा ग्राउंड है और झूले वगैरह भी हैं यहाँ पर। अगर आए तो आप लोगों को पूरा का पूरा उस दिन दिखाते हैं। यहाँ हफ्ते 10 दिन तक का प्रैक्टिस चल रही है फिलहाल यहाँ पर, तो बच्चे जो है ना स्टेज पे प्रैक्टिस कर रहे हैं शायद, बट क्लियर नहीं है थोड़ा सा। मतलब कि काफी बहुत बड़ा ग्राउंड है। ये झूले जो वहां पर दिख रहे हैं उनको जूम करके दिखाती हूँ, अभी मैं वहां जा तो नहीं सकती। इतने बड़े लेवल पे सब कुछ हो गया। दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला बोल सकते हैं या फिर द्वारका की तो है ही है। इसके एक ही ग्राउंड के क्या पता कितने सारे गेट है। चलो थोड़ा सा पास चल के दिखाते हैं, अगर इनको प्रॉब्लम नहीं होगी तो, अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं भाग। मंच देखो कितना प्यारा है फ्रेंड। ऐसा इसका गेट जो है बाहर से ऐसा है कुछ, इसका गेट ही इतना बड़ा है दिखा भी नहीं सकते हम। तो फ्रेंड्स ये जो है हम आए थे पिछले साल बट हमको मेले मेले एंजॉय करने आए थे, क्योंकि बच्चे एक ही दिन देखते हैं बस रामलीला। बच्चों की कुछ बोर्ड की भी क्लासेस है तो हम आएंगे या नहीं आएंगे कुछ नहीं पता। एग्ज़ाम का भी टाइम चला हुआ है अभी, क्योंकि 30 तक तो एग्ज़ाम है ही बच्चों के, उसके बाद देखते हैं। तो मैं निकलाई थी उनसे वॉक करने के लिए कि बच्चों के पास चली जाऊंगी, वॉक करते करते मेरी वॉक भी हो जाएगी और बच्चों को अपने साथ ले भी आऊँगी। यहाँ पर चारों तरफ तो जल्दी से मिलती हूँ। और यहाँ भी एक ग्राउंड है सेक्टर 10 का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इस ग्राउंड में भी शायद रामलीला होती है, वो भी दिखाऊंगी, वो उसको कल दिखाऊंगी मैं आपको। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम घूम कर फिर कर, मैं तो घूम कर और बच्चे पढ़कर, पढ़ने के बाद इनकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है। हाँ भाई तो पढ़ने के नाम से पहले ही बीमार हो जाते हैं कि ट्यूशन से आए मम्मी फिर बोलेंगे अब किताब निकालो मैं बीमार हूँ। है पीयूष। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम घर पर और मैं बना रही हूँ अभी दाल, और मैं बोली थी दाल रोटी खा लो, बच्चे बोल रहे दाल चावल खाएंगे, तो देखते हैं क्या बनाएंगे। दाल तो फिक्स है ही। मैं जाती हूँ किचन में और बच्चे करेंगे पढ़ाई थोड़ी सी देर के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने दिखाया कि हमारे पास में ही है मतलब कि रामलीला ग्राउंड, तो वहां पर तैयारियां चल रही है। अकेले अकेले घूमी नहीं, वॉक करने गई थी मैं तो मेरे को कल भी छोड़ गए।
आज मैंने कहीं तो गई, कल तो मैं नीचे ही गई थी सोसाइटी में, आज मैंने कहीं तो गई नहीं, और कल फिर जाएंगे तो जाएंगे दोनों चले जाएंगे। तो तेरी 12th है ना, ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना है, तेरे घूमने पे ध्यान नहीं देना, इसकी भी 10th है। तो वो भी तो मैं काम करने जाता, काम करने जाता है वो मेरे साथ, वॉक पे जाता है ना, मम्मी मम्मी को जरूरी नहीं है वॉक करानी, भूल गए थे मार्केट में रिपोर्ट लेने के बाद। तो फ्रेंड्स ये तो ऐसे ही चलता रहता है घर वालों में, तो ऐसे ही बच्चों की क्या बोलते हैं, बच्चों से आर्गुमेंट कभी नहीं जीत सकते हम लोग, बड़े झुक ही जाते हैं उनके सामने, ठीक है बेटा। तो फ्रेंड्स रामलीला ग्राउंड में हर चीज है ना, लाइट ही लाइट, इतना प्यारा नजारा बोल सकते हैं चारों तरफ है फिलहाल तो, क्योंकि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहे हैं और मेरे तो फोन पकड़े पकड़े हाथ में फैन। बिग फैन किसका? आपको मैं। अच्छा तू मेरे को मैं तो ब्लॉग में ले लिया तो तो ये पीयूष जैसा मस्का है ना, कोई कोई बच्चा लगा सकता होगा, देख ले ठीक है ना, इसके बाद बिजनेस सच में। अब मैं पीयूष के लिए बोलूंगी तो साक्षी बोल पीयूष के लिए ऐसे बोलते रहते हो, नहीं मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनकी मम्मा भी बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स हर जगह लाइट ही लाइट है, अगर इनके एग्जाम खत्म हो गए तो कहीं ना कहीं जाएंगे, मेला एंजॉय करेंगे, कैप्चर करेंगे, और सच में ये जो फेस्टिवल सीजन होते हैं इतने प्यारे होते हैं, हर जगह लाइट ही लाइट है, लाइट ही लाइट है, और देखने में भी अच्छा लगता है, मन भी खुश हो जाता है। तो मिलती हूँ थोड़ी सी देर के बाद, अब मुझे किचन में बहुत सारा काम है, अभी आ चुका है हमारा खाने, क्योंकि टाइम हो चुका है 9:30। तो आज है हमारे खाने में दाल चावल बूरा लस्सी नमक जीरा डाल के प्याज, ये रही साक्षी इसका खाना चल रहा है, नमक और प्याज इन सबके साथ, ये रह जाते नहीं पीछे मुंह बना रहा है क्यों। तो फ्रेंड्स हो गए हैं 9:25 और ये बच्चे देख रहे हैं जट प्रभजोत के फैन हैं ये, खाना खाते हुए देखते हैं उसकी, क्यों जतिन नहीं है तो ये खाना खाते हुए वीडियो देखते हैं संभावना सेठ की, जट प्रभजोत की, ये इनके बहुत बड़े फैन हैं। और यहाँ चल रहा है खाना, सिंपल खाना, दाल चावल। जट प्रभजोत का नंबर, हाउस नंबर या फिर कुछ भी एड्रेस या फिर नंबर पता था, हमें दे देना, मिल के आएगा। और ये चल रहा है इनका खाना, और ये जतिन, ये पीयूष, ये साक्षी, बताइए जट प्रभजोत के फैन है बहुत बड़ा पीयूष, संभावना से इनको ब्लॉगिंग का यहीं से चस्का लगा था बच्चों को, है ना भाई। हाँ yes! तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग हो चुका है बहुत ज्यादा लंबा, तो इसलिए मैं इस व्लॉग को यहीं करती हूँ एंड, और बच्चे खाना को इंजॉय कर रहे हैं उसके बाद स्टडी करेंगे, इसलिए व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो पीयूष साक्षी जतिन बोलो गुड नाइट, गुड नाइट, और व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय।